गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ के सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फोर को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे सारे धर्मों को सम्मान करता था अकबर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार में कौन कौन लोग थे। दो, अकबर वॉज इलिटरेट। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोगों को सम्मान करता था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि, दार्शनिक हो गए, संगीतकार हो गए, चित्र बनाने वाले हो गए, ये बहुत सारे विद्वान लोग रहते थे जिनको नवरत्न के नाम से, नाइन ज्वेल्स नवरत्न के नाम से जाना जाता था। उसमें कुछ लोगों का नाम हम लोग देख सकते हैं, इनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम जो अकबर के नवरत्न जो थे उनके दरबार में जो रहते थे उनमें पहला नाम हो जाता है अबुल फजल हो जाते हैं, दूसरा फैजी, तीसरा रहीम, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, ये अकबर के दरबारी के नवरत्न थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अकबर लव फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। अकबर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, उसके समय में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। उसके समय में बहुत सारी किताबों का, खास करके हिंदी हो गई, संस्कृत, पर्शियन का एक लाइब्रेरी में रखा गया ताकि लोगों को अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हो। और साथ ही साथ उसने उसके समय में, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में एक बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जिसमें हम देख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बहुत बड़ा गेट है, बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ये अकबर के समय बना था। नाउ डिस्कस अबाउट द जहांगीर पीरियड। अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 तक भारत दिल्ली का गद्दी पर बैठा, और इसने इसके समय में इसके कुछ समय शासन करने के बाद उसके एक पुत्र खुसरो द्वारा विद्रोह कर दिया गया उसके विरोध में। वो पंजाब चला गया और वहाँ के सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने इसे अपने शरण दिया था इसके विरोध में। बाद में तो खुसरो को हरा दिया गया और खुसरो को हरा दिया गया, उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया और उसको अंधा कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव को भी क्या हुआ कि जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या करा दी जाती है। इस तरह देखते हैं सिख लोग जहांगीर के विरोधी हो गए थे। बाद में जहांगीर जो है 1611 में इसने मेहरुनिसा के साथ शादी कर ली और उसका उसको उसने एक टाइट पद भी दी जिसको नूर जहाँ के नाम से जाना था। जहांगीर लेफ्ट द कंडक्ट ऑफ स्टेट अफेयर इन द हैंड्स ऑफ द हिज वाइफ नूर जहाँ। बाद में जहांगीर कुछ समय बाद अपना देश शासन चलाने का अधिकार बहुत कुछ मामलों में नूर जहाँ हस्तक्षेप करते थे, नूर जहाँ के द्वारा शासन चलाया जाता था और उसके द्वारा खुसरो और महावत खां के विद्रोह को अच्छी तरह दबाया दिया गया। नूर जहाँ एक बहुत ही कुशल प्रशासिका थी और कुछ शासन में हस्तक्षेप करती थी। 1608 में हम देखते हैं किंग जेम्स जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा जो थे विलियम्स हॉकिंग्स को जहांगीर के पास भेजे व्यापारिक लाभ अधिकार प्राप्त करने के लिए। बट ही केम टू बी ए कंसेशन फॉर द ट्रेड बट वाज नॉट सक्सेसफुल। जहांगीर के विलियम्स हॉकिंग जब इसके दरबार में आए तो लाभ लेने में सफल नहीं रहे, उनको व्यापारिक लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन 1615 में हम देखते हैं सर टामोसरो जहांगीर के दरबार में आया और ये मुफ्त व्यापार करने का, अंग्रेजों द्वारा भारत में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। उस सूरत में अपने पहला ट्रेड कारखाना खोला उसने। जहांगीर का समय बहुत लंबा समय शासन चला लेकिन जहांगीर बीमार पड़ने, बहुत ड्रिंकिंग करने में करता था, इस कारण 1627 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिल्ली गद्दी पर शाहजहाँ बैठता है। 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ ने शासन किया। अब द डेट ऑफ जहांगीर इज सेट ऑन द थ्रोन इन 1627। ही सन खुर्रम, पहले जहांगीर का क्या नाम, शाहजहाँ का नाम खुर्रम था और ये गद्दी बैठा। इस बीच उसने राज परिवार का 18 लोगों की उसने हत्या करा दी और उस तरह बहुत सारे विद्रोह उसके समय में हुए, तो उसको उसने दबा दिया। एक विद्रोह पुर्तगाली लोग जो यूरोप के रहने वाले थे, इन्हें बहुत लोगों को उसने गुलाम बना लिया था और इसके कारण
खास करके बहुत सारे हिंदू लोगों को गुलाम उसने बना रखा था। उसमें हम लोग देखते हैं कि ये उसने जहाँ शाहजहाँ ने उनके सूरत की फैक्ट्री जहाँ पर उन्होंने अपने कारखाना बना रहा हुगली में का बना रखा था उसको उसने नष्ट कर दिया और चेतावनी दी कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में शाहजहाँ का समय जो है बहुत कष्टपूर्ण बीता। उसके समय में गद्दी के लिए उनका उसके पुत्रों में लड़ाई शुरू हो गई। उसके चार पुत्र थे, द फर्स्ट वन इज़ दारा शिको, सेकेंड वन इज़ सुजा, थर्ड वन इज औरंगजेब एंड द फोर्थ वन इज़ मुराद। इसके चार पुत्र थे, औरंगजेब ने दारा और जिसको धर्मट और सामूगढ़ की लड़ाई में इसने हरा दिया और उसने अपने पिता को आगरा किले में कैद कर बंद कर दिया था। दारा और मुराद को उसने हत्या कर दी और सुजा यहाँ से भाग गया फिर लौटा नहीं। इस तरह देखते हैं कि आगरा किले में 1666 तक 1666 तक औरंगजेब जिंदा ये शाहजहाँ जिंदा रहा। उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल खास करके कला और साहित्य के विकास के लिए बहुत जाना, खास करके कला के विकास के लिए उस समय में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी उसमें और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। उसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें आगरा में अपनी मुमताज महल अपनी बेगम की याद में जो आगरा में ताजमहल बनाया, आज भी हमारी सेवन वर्ल्ड में गिनी जाती है। उसके बाद उसने आगरा में, दिल्ली में लाल किला बनवाया, लाहौर में भी लाल किला उसने बनवाया और दिल्ली में जामा मस्जिद बनाया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाया। इस तरह शाहजहाँ और दिल्ली में शाहजहाँ बहुत की स्थापना की। इस तरह हम देखते हैं कि उसने उसके समय में एक पिकअप फॉर्म भी कहा जाता है उसमें बना और उसमें बहुत सारे हिडन मोती जड़े गए थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं रूल ऑफ औरंगजेब। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। औरंगजेब एक बहुत धर्मांग शासक था और उसने अपने चारों भाइयों का तीन भाइयों का दो भाइयों के दो तीन भाइयों का हत्या करने के बाद गद्दी को प्राप्त किया और उसने हिंदू लोगों को बहुत अत्याचार किए। बहुत सारे सिख राजपूत जाट और सिख इसके बहुत बड़े विरोधी हो गए। बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। इसमें उसने हिंदुओं पूरा से इम्पोज जजिया हिंदू लोगों पर एक जजिया टैक्स लगाया जाता था और ख़ास करके मराठा जाट लोग इसके बहुत बड़े विरोधी हो गए। उसने दक्कन के राज्य को उसने अपने राज्य मिला लिया था। बाद में अहम लोगों पर उसने लड़ाइयाँ की जिसमें बाद में अहम लोग के राजा चक्रधर विजय सिंह उन्होंने अपने जो अपमानजनक संधि की थी बाद में उसने असम को आज़ाद करा लिया। इस तरह देखते हैं कि अकबर के बाद औरंगजेब और तक शासन व्यवस्था मुगल ठीक चलते रही। बाद में उसके बाद